मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आईटीबीपी एकेडमी मसूरी में आईटीबीपी के 42 सहायक सेनानी जीडी एवं 11 सहायक सेनानी अभियंता की पासिंग आउट परेड में हिस्सा लिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि वो स्वयं एक पूर्व सैनिक के पुत्र हैं और इस कार्यक्रम में प्रतिभाग कर उन्हें गर्व की अनुभूति हो रही है। उन्होंने कहा कि आईटीबीपी के हिमवीरों का सभी क्षेत्रों में महत्वपूर्ण योगदान रहा है, साथ ही आपदा के दौरान आईटीबीपी ने अपना योगदान दिया है, जिसके लिए उन्होंने आईटीबीपी का आभार व्यक्त किया। असम के तिनखुटिया में उत्तराखंड के संजय चंद शहीद हो गए। शहीद संजय चंद के गांव तोली में शोक की लहर है। पिथौरागढ़ के मुनाकोट ब्लॉक के तोली गांव के निवासी संजय चंद असम में उग्रवादियों के साथ लोहा लेते हुए शहीद हो गए। सैनिक संजय चंद के शहीद होने की खबर सुनकर क्षेत्र में शोक की लहर है। शहीद का अंतिम संस्कार सैन्य सम्मान के साथ रामेश्वर घाट में किया जाएगा। प्रदेश के खेल मंत्री अरविंद पांडे रोशनाबाद स्थित वंदना कटारिया के घर पर पहुंचे, जहां उन्होंने वंदना कटारिया के शानदार प्रदर्शन के लिए परिवार वालों को बधाई दी। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड आने पर वंदना कटारिया का भव्य स्वागत किया जाएगा। साथ ही उन्होंने वंदना कटारिया के ग्राम रोशनाबाद में सड़कों की खस्ता हाल को जल्द सही करवाकर वंदना कटारिया के नाम से ही उसका शुभारंभ करने की भी बात कही। इस मौके पर रानीपुर विधायक आदेश चौहान भी मौजूद थे। वंदना कटारिया वो खिलाड़ी है कि जिसने अपने देश हिंदुस्तान के साथ साथ उत्तराखंड का नाम रोशन किया है। मैं इस बेटी को उत्तराखंड प्रदेश सरकार की तरफ से, देवभूमि उत्तराखंड की प्रत्येक व्यक्ति की तरफ से, मैं उस बेटी के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। अपने रोशनाबाद गांव और रानीपुर विधानसभा के सब लोगों के लिए बहुत ज़्यादा गौरव की बात है कि हमारी बहन वंदना कटारिया ने हैट्रिक बनाकर ओलंपिक के अंदर और भारत को सेमीफाइनल तक पहुंचाने का काम किया है। हम उनको बहुत बहुत बधाई देते हैं, पूरे परिवार को बहुत बहुत बधाई देते हैं। और पूर्व में भी वंदना, चाहे वर्ल्ड कप रहा हो, एशिया रहा हो, उन सब में भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए बहुत अच्छा प्रदर्शन कर चुकी है और ये हम सब लोगों के लिए गौरव की बात है। और मैं पूरे परिवार को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएँ देता हूँ। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में विलुप्ति की कगार पर पहुंची लकड़बग्घे की प्रजाति देखी गई, जिससे तेजी से कम होते लकड़बग्घों को लेकर उम्मीद जगी है और कॉर्बेट प्रशासन इन पर नजर बनाए हुए है। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के निदेशक राहुल कुमार ने बताया कि लकड़बग्घे की उपस्थिति कॉर्बेट पार्क में बेहद कम है, परंतु जहां पर भी है कॉर्बेट के एरिया में हम इनकी लगातार मॉनिटरिंग करते रहेंगे। स्ट्रिप्ट हाइना जो है वो कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में उनके प्रेजेंस जो है उसको डॉक्यूमेंट किया गया है। इससे पहले भी कैमरा ट्रैप के माध्यम से जो हमारी सदर्न बाउंड्री है, कालागढ़ का एरिया, इन सब में स्ट्रिप्ट हाइना की प्रेजेंस रिकॉर्ड की गई है। ये इनकी प्रेजेंस कम है कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में, परंतु जहाँ जहाँ पर है हम उन एरियाज को लगातार मॉनिटर करते हैं और जो भी इनके हैबिटेट रिक्वायरमेंट है उसके अनुसार हैबिटेट इंटरवेंशन किया जाता है और साथ ही साथ जो प्रोटेक्शन के प्रोटोकॉल्स हैं इनके लिए उसको पूरी तरह से मेंटेन किया जाता है। आम आदमी पार्टी के नेता कर्नल अजय कोठियाल नरेंद्र नगर विधानसभा क्षेत्र के गाजा पहुंचे, जहां उन्होंने युवाओं और स्थानीय लोगों से क्षेत्र के मुद्दों को लेकर संवाद किया। कार्यक्रम में सभी लोगों ने क्षेत्र की समस्याओं को उठाया, जिनका कर्नल अजय कोठियाल ने निराकरण करने का आश्वासन दिया। आगामी 2022 के विधानसभा चुनाव में गंगोत्री सीट से चुनाव लड़ने की भी उन्होंने बात कही। वाले नियम नहीं बनने चाहिए, उसको भी हम एक रीड कर रहे हैं और उसको